हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च शुक्रवार को बैटमा नगर में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजा करती हैं। गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा की गई। शाम को सूर्यास्त से पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाब, कुओं में विसर्जन किया गया। शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। बैटमा नगर में माहेश्वरी अग्रवाल, कुशवा व अन्य महिलाओं ने मंडलों द्वारा अलग अलग शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमे महिलाओं ने बैंड बाजे व ढोल की धुन पर खूब नृत्य किया। आयोजन में महिलाओं ने विशेष वेशभूषा में श्रृंगारित होकर पर्व मनाया। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा आरंभ हुई। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। उत्सव मनाया जाता है सुहागन औरतों के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए। कुंवारी कन्याएं इसको इसलिए मनाती है ताकि उनको अच्छे वर की प्राप्ति हो। यह मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा होती है। इस दिन 16 दिन कुंवारी लड़कियां पूजा करती है, गोट दी जाती है, पार्टी दी जाती है। कुंवारी लड़कियाँ को पूजा करने से सुख समृद्धि भी आती है और साथ ही साथ लोगों में संस्कृति का विकास भी होता है। होली के धुलेंडी के दिन से शुरू होती है और गणगौर की जो तीज आती है हमारी, उसके दिन इसका झाले देके और फिर दूसरे दिन गणगौर को पानी पिला के ठंडा कर दिया जाता है। आपका नाम है? का आया है, हम सबको साथ लाया है। हरी नीली चूड़िया, गोरे गोरे हाथ, सफर सुहाना हो गया अनिल जी के साथ। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं माहेश्वरी समाज की महिला मंडल की तरफ से। दुल्हन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पहली बार दुल्हा दुल्हन बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से मरून बने हो? और मुझे खुशी है कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। हम शिव पार्वती के रूप में दुल्हा दुल्हन बने हैं।
गणगौर सुहागनों का त्यौहार होता है, ये तीज के दिन मनाया जाता है। गणगौर पे सभी लेडीजों दूज के दिन मेहंदी मंडाती है, अपने अपने पीयर से उनका सिंजारा आता है और नई बहू बेटियों को ससुराल वाले सिंजारा देते हैं। गणगौर त्यौहार मनाते क्यों? गणगौर भाग के लिए गणगौर मनाया जाता है। पार्वती जी, ये शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, ईश्वर गणगौर जी की पूजा की जाती है। सभी लेडीजों मिलके गणगौर के गीत गाती हैं। द्रोप और आम के पत्ते से पूजा की जाती है। सभी 16-16 बिंदी लगाकर सुहागन सभी पूजा करती हैं और सभी ये त्यौहार मनाकर शाम के टाइम सब गणगौर को लेकर बगीचे में जाते हैं। वहाँ जाकर सभी लेडीजों झाले देती हैं, गणगौर को पानी पिलाती हैं। टीका पहनूं, रखड़ी पहनूं और पहनूं बोर, अखंड सुहाग की कामना से पूजू गणगौर। गणगौर पर्व जो है ईश्वर पार्वती गोरा पार्वती के प्रतीक का है, जो कि अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं पूजन करती है, उससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छा वर अच्छा घर मिलता है। यह पर्व 16 दिन का होता है, जो कि होलिका दहन के रोज से शुरू होता है और चैत्र महीने की तृतीया को गणगौर का पर्व मनाया जाता है। इसमें गौरा जो कि पार्वती का रूप है और ईश्वर जो कि भोले बाबा का रूप है, उनका पूजन किया जाता है। इनके पूजन से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं पूजन करती है तो उन्हें अच्छा वर मिलता है। इसका उद्यापन भी होता है, जिसमें महिलाओं को भोजन कराया जाता है। शाम को बगीचे में जाके गणगौर को पानी पिलाया जाता है। उसमें शादीशुदा महिलाएं दोहे के साथ अपने अपने पति का नाम लेती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।